प्रिय बीकॉम ऑनर्स एंड जेनरल सेकेंड सेमिस्टर छात्र छात्रीरा आज के आमी जे विषय निये आलोचना करब से हलो बिजनेस कम्युनिकेशन किछु इम्पोर्टेंट कोश्चन निये। तोमादेर 2021 साले सेकेंड सेमिस्टर परीक्षा अगस्ट मासे होते चले तो 2021 साले परीक्षार्थीदेर जोन्नो बिजनेस कम्युनिकेशन थेके जे जे इम्पोर्टेंट प्रश्नगुलो रही है सेगुली आज के आलोचना करब। तो तुम्हारा भिडियोटी प्रथम थेके शेष पर्यन्त मनोयोग सहकारे देखते थाको एवं प्रश्नगुली खाताय लिखे तुम्हारा प्रैक्टिस करो। आमी सम्भव हले एर उत्तर करिए देवार चेष्टा करब। तो कथा ना बाड़िए चले आसब मूल आलोचनाय। तो प्रथम प्रश्न हच्छे एक नम्बर प्रश्न, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हेन ए कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ए बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन काके बोले, कौन एक कम्युनिकेशन के बिजनेस कम्युनिकेशन बोला है। दो नम्बर प्रश्न, डिसकस द इम्पोर्टेंस अफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गुरुत्वगुली आलोचना करो। एक्सप्लेन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल एवं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सम्पर्के वर्णना करो। परवर्ती प्रश्न, एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलते कि बोझो सेटी आमादेर एकटू जेने निते हबे। परवर्ती प्रश्न, डिसकस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अफ ओरल अब्लिक वर्बल कम्युनिकेशन, ভার্বাল বা ওরাল কমিউনিকেশনের কী কী সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে সেগুলি আমাদের একটু জেনে নিতে হবে। ছ নম্বর প্রশ্ন, রাইট শর্ট নোট অন কমিউনিকেশন ব্যারিয়ার্স, কমিউনিকেশনের কী কী বাধা রয়েছে সেই সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টিকা আমাদের লিখতে হবে। সাত নম্বর, হোয়াট আর দ্য স্টেপ ইন কর্পোরেট কমিউনিকেশন, व्हाट आर द स्टेप इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। सात नम्बर प्रश्न, व्हाट आर द सॉरी सात नम्बर प्रश्न तो एक खुनी बोल लाम। अच्छा आठ नम्बर प्रश्न, एक्सप्लेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की उद्देश्य रही है। परवर्ती प्रश्न, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की नीति रही है सेगल एक जेने। चले आसब परवर्ती प्रश्न, डिफारेंस विटुईन फर्माल कम्युनिकेशन एंड इनफर्माल कम्युनिकेशन, ফর্মাল এবং ইনফর্মাল কমিউনিকেশনের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে সেটিও আমাদের একটু জেনে নিতে হবে। চলে আসবো বারো নম্বর প্রশ্ন, ডিসকাস দ্য ফিচার্স অফ কর্পোরেট কমিউনিকেশন, কর্পোরেট কমিউনিকেশনের কী কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি অন্যভাবেও আসতে পারে, ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলেও আসতে পারে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তো দুটোর অ্যান্সারই তোমাদের প্রায় সেম। তো প্রথম টপিক থেকে আমি এই বারোটি প্রশ্ন তোমাদের দিলাম, তোমরা এগুলো প্র্যাকটিস করতে থেকো। খুব শীঘ্রই হাজির হব দ্বিতীয় টপিকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে। ততক্ষণে সকলে সুস্থ থেকো, ভালো থেকো।